कितने वाला लिया ये आपने? ये ये तो सभी आपने हाई देसी एंड लिया होगा ना, आपका तो काम उसी से होता है, तो एक्सपेंसिव हाई वाला होगा ये। एंड। हाँ जो कहना है कह लो, अब आजकल सब चीजें अच्छी यदि ले रहे हैं तो फिर अच्छी है। उसका एक नाम है जेब थंडर करके, जेब थंडर और जेब पैराडाइस, तो ये दोनों उसके बहुत बढ़िया हेडसेट्स हैं, तो उन्हीं दोनों में से मैंने एक डिसाइड किया, मंगाया कर लूंगी है। ऑर्डर में, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू। एक्चुअली मैं आपके लिए वो लिंक ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास वो पेज शायद खुला है लैपटॉप पे। हाँ कौन सा? वो आयुष वाला? आप इंस्टाग्राम पे हो? सेम योग ध्यान शक्ति के नाम से? सेम वही। मैं बाद में शेयर करूंगी, अभी नहीं आ रही आपकी स्क्रीन। नौपश्यामी, इदानीं पश्यसि वा। दीपम पश्यामी, आगच्छामी, आगच्छामि? कैसे आगच्छति? आगच्छति। आगच्छामि तो आप खुद ही पहुंच गए स्क्रीन की जगह पे। आगच्छति, फग, नील वर्ण खग। तो इदानीम ध्यानम ददातु। ओम उच्चारण, यदा अहम वाक्ये अस्मि तदा आगच्छामि, पठामि, वदामि। अस्ति, परंतु यदा केचन वस्तूनि वाक्ये सन्ति तदा वस्तूनि लिंग उपयोग भवति, लिंग वचन सर्वदा। अच्छा हाँ, नील वर्ण खगा खगह पश्यसि। नवीन महोदयः कुत्र अस्ति? नवीन महोदयः, अभिलाष महोदयः। आज ऐसा तो नहीं, नवीन महोदय सबसे पहले आके देखा उनने कुछ नहीं चल रहा है तो भाग गए। वो तो आते हैं इसी समय पर आते हैं यूजुअली। अधिकतर जब चल रहा होता है तो थोड़े देर में प्रकट होते हैं। यूजुअली 7:15 7:20 तक ही उनका आगमन होता है। तो अब हम थोड़ा सा एक नया पृष्ठ खोलते हैं, नवीन पृष्ठ। हम योग करोमि यदा तदा कदा उपयोग पश्यामि, पश्यामः यदा जब When, तदा तब then कदा
कब? व्हेन? इदानीं एकं महत्त्व वार्ता अस्ति, महत्त्वपूर्ण वार्ता अस्ति। किं शब्द बहु उपयोग सन्ति? किं तो किं अधिकतर हम क्या के रूप में लिखते हैं, परंतु किम बहु उपयोग कीदृशम्? तर्हि तर्हि अर्थात तो हम बात करते करते कहते हैं ना, तो ऐसा, तो ऐसा, तो तरही जस का तस है आज भी, कदी कदा की जगह कदी होता है मराठी में, तरही तो होता ही है वैसे कदी। हाँ 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 कुछ भाषाओं में वो बच्चा हुआ वैसे ही का वैसा बच्चा हुआ। तो किम भवान, अभी हम वयम नवीन महोदय, नवीन महोदयम पृच्छामः, भवान सप्तवादने किम न आगच्छति? तो अत्र किमर्थम भी उपयोग हो सकता था। हम शायद अधिकतर किमर्थम उपयोग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको वो शब्द पता है, क्यों के लिए हम किमर्थम लेते हैं, पर किम को भी उस रूप में उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। तो किम के बहु उपयोग हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ है क्यों आप 7 बजे क्यों नहीं आते। तो किम बहु उपयोगी है उस तरह से, ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा इस तरह से, तो तब हमको क्या का अर्थ नहीं लेना आवश्यक है, जो उस वाक्य के अनुसार सही बैठ रहा है वो वाला प्रश्नवाचक शब्द वो बन जाएगा। तो मल्टीपर्पस वर्ड। इदानीं औमुच्चारण करोमि, औमुच्चारण करामः।
था नेम, प्रीचे, तो हमने वो दक्षिणतः वामतः ऊपरी अधः ये सब अभ्यास किया था क्या, आपको याद है? नहीं नहीं अंशु जी, हमने वो नहीं किया, वो आपने किसी और बैच को किया हुआ है, जो आपने वो ड्राइंग दिखाया था ना लड़की का। नहीं, बैच तो यही था, उस बार आप नहीं आई होंगी, क्योंकि बीच में एक दो बार ऐसा भी हुआ कि अरुण जी भी हमारे इस कक्षा में आए थे, तो उस वाले में कौन था वो तो मुझे याद नहीं है, पर ये पूरा पीपीटी ही अपने ही इसका है, ये मतलब ये जो मैं स्लाइड खोलता हूँ ना, ये मैं वो वाला बोल रही हूँ जो आपने वामतः दक्षिणतः वो स्लाइड पे रखते हैं। हाँ, तो ये जो पूरा का पूरा डेक है ये सिर्फ हम लोगों का ही है, मतलब ये और किसी कक्षा के लिए मैं उपयोग ही नहीं करता हूँ, दूसरी कक्षा के लिए उसके नाम का अलग बैच, मतलब उसके नाम का अलग डॉक्यूमेंट है। तो अभी हम इसके वाक्य बनाते हैं। ये शब्द आपको समझ गए कि नहीं? ये शब्द आपने देखे थे पिछली बार, ये थोड़े ध्यान में है? नोट डाउन कर लेती आपकी आवाज लेकिन अभी भी बहुत ही धीरे है। मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ इस पर, फिर इसको वाक्य में प्रयोग करूँगी। हाँ, और ये चित्र बना लीजिए तो अच्छे से समझेगा। उस बार हमने भागीरथ गंगा जी कैसे बनी उसकी भी बात की थी, तब भी आप नहीं थी। नहीं, बट मुझे ऐसे कोई ध्यान में नहीं आया कि मैंने कोई कक्षा मिस की है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। नहीं बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी कक्षाएं कभी कभी छोड़ देते हैं। कुछ भी और कौन सी कक्षा अटेंड करती हूँ मैं? कल आपने छोड़ी, कल आप कहाँ थे? मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मैं जो लिंक यूज कर रहा था उसमें कोई आया ही नहीं, तो मुझे लगा कि और कोई लिंक तो है नहीं, तो अब क्या यूज करें। मैंने लिखा भी ना इसके लिए कि मेरी बात हुई कुसुमा जी से, तो मैंने वही लिखा कि वही लिंक यूज करके लॉगिन करिए, पिछली गुरुवार वाली। हाँ, मैंने वही किया था, तो गुरुवार को आप नहीं थे? गुरुवार को आप तो गुरुवार को नहीं था, पर मैं गुरुवार वाली लिंक यूज करके कल मैं ट्राई कर रहा था। तो कल आने की बात कर रही है ना आप? हाँ, तो मैंने वो वाली लिंक यूज करके आया मैं, लेकिन वो तो लगातार उसी स्क्रीन पे था कि वो ऑर्गेनाइजर विल परमिट यू व्हेन व्हेन द मीटिंग स्टार्ट्स, ऐसे कुछ मैसेज आता है ना शुरू में। हाँ, यू आर इन द लॉबी, लॉबी वाला नहीं आया, पर हाँ कुछ तो था इसी तरह का। तो उसमें ऑलमोस्ट मैं 5-6 मिनट रहा, नॉर्मली तो जब चल रही होती नहीं, मीटिंग। नहीं, नहीं। वो आई थी थोड़ा सा कल देरी से, अराउंड ये 7:15 तक कक्षा शुरू हुई थी। अच्छा, पता नहीं, मैंने शायद 7 बजे चालू कर लिया था। हाँ, 7 बजे नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट 10 मिनट रुका मैं, पूजा में थी, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी देरी से आती हूँ, आप मैसेज डाल दीजिए। अच्छा, 7:15 तक ही शुरू हुई थी, इस कारण शायद आप फिर नहीं लॉग इन कर पाए। हाँ, सप्तवादने अहम मीटिंगे अस्ति स्म। तो आपने ये बना लिया जी, वो लड़की बनाई कि नहीं, सबसे जरूरी तो वही है। स्टिकमैन बनाया, स्टिकमैन। उसको थोड़ी सी बढ़िया सी ऐसी स्कर्ट भी बना देते हैं। मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कौन सी चीज लगती है लाइफ में?
किसको आपको? मुझे अभी ये चित्र पर लिटरली एक मतलब एक फुल स्टॉप से भी छोटा, हाँ एक डॉट से भी छोटा एक कीड़ा घूम रहा था, तो मुझे लगता है कि उसका मेरे यहाँ भी घूम अस्तित्व, रहा है, मुझे लगा हाँ मेरे वाला आपको कैसे दिख गया, नहीं एक नहीं छोटी सी आपके स्क्रीन मकड़ी पर नहीं, घूम रही मेरी है। बुक पर, मेरी बुक पर। और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसका अस्तित्व क्या है, वो इतना मतलब इट्स इवन स्मॉलर देन अ डॉट एंड देन स्टिल इट इज मूविंग, स्टिल उसमें कोई प्राण है। वो जीवन के लिए पूरी मेहनत कर रहा है अपने हिसाब से, खाना मैं लेके जा रहा होगा या खाना लेने जा रहा होगा, दुकान से खरीद के लाया होगा, कुछ ना कुछ पक्का करके लाया है। होगा मेरे मित्र, संस्कृत ज्ञान, भाष्य ज्ञान। ये तो होता ही है, जब जैसे हम आप से हम अपनी एक बार कभी बात हुई थी इस बारे में कि कभी कुछ ऐसा लगे जीवन व्यर्थ किसी को लगने लगता है, मतलब थोड़ा भी ऐसे प्रेरणा जीवन के लिए यदि चाहिए किसी को और नहीं भी चाहिए तो भी एक कभी भी किया जा सकता है कि कोई भी पौधे के आसपास बैठ जाओ थोड़ी देर जी और उसकी पत्तियां उसकी मतलब पूरा तना और उसमें बारीकी से ध्यान देना चालू करो, तो 2-4 मिनट के अंदर उस पे इतनी एक्टिविटी दिखेगी, कहीं कोई चींटी घूम रही है, कहीं दूसरे कीड़े इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कोई कुछ लेके जा रहा है, कुछ इतना कुछ चल रहा होता है उत्ते से पौधे के ऊपर, तब समझ में आता है कि जीवन तो कितना सारा है और कितनी सारी जगह है, सब जगह और हर कोई अपना लगा हुआ है, बिल्कुल कोई रुका नहीं है, कोई बैठ के टीवी नहीं देख रहा, जी सब लगे हैं। वाक्य में प्रयोग, क्या मोजी? वाक्य में प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल, तो ये बन गया ना आपका, हाँ हो गया। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे खाली पृष्ठ पे चलते हैं, फिर वहां बनाते हैं कुछ कुछ। हाँ इधर ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा तो इसमें ही हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला तो हो ही सकता है और दाएं बाएं भी हो सकता है। और मैं एक का चीज यहाँ बना देता हूं तो उससे थोड़ा और हो जाएगा। दामिनी, चलिए तो धनु कुत्र अस्ति और अभी हाँ कुत्र है तो आप अपने अपने अनुसार उत्तरम वदतु। और अभी जैसे धनु जो है एक नया शब्द है इस अर्थ में कि वो उकारांत है और उकारांत की अभी हमने विभक्तियां देखी नहीं है, तो अभी उस चीज को ध्यान से थोड़ा छोड़ के जहां पे विभक्ति का की आवश्यकता है उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब सिर्फ धनु बोल सकती हैं अभी के लिए वो चलेगा, पर बाकी जो अभी हम सीख रहे हैं दिशाएं और वो ऊपर नीचे वो वाले का ओके, तो ये देख वाक्य सकते हैं फिर प्रयत्न कीजिए। दर्पणस्य अध अधो अस्ति, दर्पणस्य नहीं होगा उसका,
हाँ दर्पण से तो ठीक है, दर्पण है तो क्योंकि अकारांत है ना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। नरेश में भी अकारांत धनु है, धनु का नहीं होगा, ओ नहीं होगा हाँ आपके। तो धनु की जगह धनुष उपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि वो अकारांत है। तो ये भी बुद्धि हमको कई जगह पे लगानी पड़ेगी कि जो अकारांत इक्विवेलेंट शब्द होते हैं उनका उपयोग करना अधिक सरल होता है क्योंकि हम सबसे अधिक वही सीखते हैं और देखते भी हैं, तो धनु की जगह धनुष उपयोग कर लेते। तो आप दो चार बात सोचते रहिए। तो ऐसे भी कहना उचित होगा, धनुष धनुष्य दर्पणस्य अधो अस्ति। पुनः वदतु। धनुष दर्पणस्य अधो अस्ति। उत्तमम्। तो अधो अस्ति, और उसको अधः भी बोल सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि अधो जो है ना जब किसी और शब्द के साथ संधि होती है तब वो अधो बनता है, तो अभी तो हम अधः को अलग से ही, बाप रे क्या हो रहा है, खाने के थोड़ी देर के अंदर कुछ, एक सेकंड में पानी पीता हूँ थोड़ा सा। जी, धनुष दर्पण से अधः अस्ति, उपरि नास्ति वा। नरेशस्य उपरि अस्ति। नरेशस्य उपरि अस्ति। ओहो ओहो, सो संस्कृते एक एकम अभिव्यक्ति अस्ति अहो अहो। सो इंग्लिश में जो होता है ना ओह ओह, तो ये वहीं से निकल के आया है। ओके। अहो संस्कृत में अहो होता है। अच्छा, हम जैसे बोलते हैं ना थोड़ा आश्चर्य के साथ जो अहो बोलते हैं, आश्चर्य मतलब वैसा आश्चर्य नहीं कि कोई हम उपहास करने ओ वाला ओके आश्चर्य नहीं है, पर ओ ओके है। ओ ओके ओ आई सी। ओके जो हम कहते हैं वो तो सादा है। अस्तु जो अस्तु अस्तु कहते हैं वो हाँ ठीक है, हाँ मतलब ठीक है वाला है, अच्छा। लेकिन जब हमको ऐसे बोलना है अच्छा, मतलब थोड़ा जो ये आश्चर्य मिश्रित वाला जो है, तो उसमें अहो ज्यादा उपयोगी है। ओहो अधः अस्ति उपरि नास्ति। तब आपने तदा भवति वदति स्म नरेशस्य उपरि अस्ति। उत्तमम्। नरेशस्य उपरि अस्ति। नरेशस्य अधः किम् अस्ति? नरेशस्य अध अधः अधः पर्णमस्ति।
पर्णमस्ति, पर्णस्य वामतः किम् अस्ति? वाक्यो पर्णस्य वामतः किम् अस्ति? वाक्य वाक्य। एक तो मुझे आपकी आवाज अभी भी कम ही आ रही है, इसलिए मुझे एक मिनट थोड़ा आप ट्राई करें या मैं भी कुछ कोशिश करूं। आवाज तो यहाँ फुल है मेरे पास। हमेशा इतनी कम आती है या आज कुछ ज्यादा ही कम आ रही है? नहीं, नहीं, मैंने पहले भी तो आपको बताया ही है। बट आज बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत कम तो नहीं है, हमेशा की तरह ही है, पर मैं इसलिए भी आज बार एक बार बोल रहा हूँ कि सेकंड, काम करती हूँ। मूव टू द मोबाइल बैटरी। तो अब आप मोबाइल पे आ रही हैं? अभी ये ठीक है? बगल अरे ये तो बिल्कुल में शानदार। बैठे हाँ, बाजू तुमने में बैठी हो, कान पे, कान के अंदर बैठ के बोल रही हो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते में ऑर्डर भी कर दूंगी हाँ, हेडफोन्स। और आपके आसपास की कोई दुकान में देख सकती हैं ये आईबॉल या इनके, तो पहले वो देख लीजिएगा। मैंने भी अपने आसपास देखा, मुझे वो वाले नहीं मिला जो मुझे आईबॉल शायद चाहिए। मिलता है, एक स्टेशनरी है मेरे घर के सामने, उसमें आईबॉल हाँ, होता है। क्योंकि लोकल वैसे भी थोड़े मुश्किल में हैं लोग, तो पहले उनसे ले लें तो ज्यादा अच्छा है। तमाम हाँ, अब बोलिए। पर्णस्य वामतः किम् अस्ति? कर्णस्य वामतः दामिनी। पर्णस्य वामतः दामिनी एवं दक्षिणतः वाक्य तो आपको मेरा मम यवनिका पश्यसि वा, तो दक्षिणतः हाँ, किम् अस्ति, एषः कः? दक्षिण तो मतलब राइट। हाँ, हाँ, एषः कः? व्हाट इज दैट? कीड़ा है लाल। ओके ओके, कीट। कीटः अस्ति। दक्षिणतः कीटः, तो दक्षिणतः राइट, वामतः लेफ्ट,
ऊपरी अधः आपको समझ गया। अभी नरेशस्य पृष्ठतः कः? नरेशस्य पृष्ठतः कः? खग अस्ति। खगः। खगस्य पुरतः कः? नहीं। अभी तो आपकी आवाज जा चुकी है बिल्कुल कहीं दूर। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल कहीं तो जा चुकी है, क्या हुआ, फिर से कुछ बदला गया? नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ मोबाइल पे। अभी जब नहीं बोली तब अच्छे से आई, तो उसके पहले नेटवर्क इशू होगा कोई। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि खग पूरतः शब्द, कैन आई से दैट देयर्स अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ इट, खगस्य पूरतः शब्द। हाँ ठीक है, पदाह या शब्दाह या शब्द शब्द अस्ति, शब्द या फिर पद भी चलेगा। खगस्य पृष्ठतः कः? खगस्य पृष्ठः नरेशस्य अस्ति, नरेशः अस्ति, नरेशस्य नरेशः अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। बाणः कुत्र अस्ति? एक सेकेंड। यवनिका इज अ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, राइट? हाँ, तो उसका हमने देखा है षष्ठी लतायाम, नहीं षष्ठी में क्या है, लत, एक मिनट आप पीछे, पर पर आपको मैं बोलना है, पर बोलना है कि काके की, कौन सा बोलना है, लता मतलब इट इज लाइक स्क्रीन के 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 है वो, तो जवनिका या ये यवनिका या दक्षिण वामतः अस्ति, धनुष सॉरी धनुष नहीं, बाणः यवनिका यवनिकायाः वामतः अस्ति, इज दैट राइट? उत्तमम् उत्तमम्। बाणः जवनिकायाः वामतः, दर्पणस्य उपरि किम् अस्ति? दर्पणस्य उपरि क्या बोलते हैं उसको, मातृका, माटी को क्या कहते हैं, मातृका ना,
मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका अस्ति। मृत्तिका कुत्र पश्यति, पश्यसि वा? न पश्यामि, फिगरेटिव वे ऑफ सेइंग। अस्तु अस्तु। अहम वदामि दर्पणस्य उपरि किमपि नास्ति। अच्छा, किमपि न, हाँ तो क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो किमपि होता है। दर्पणस्य उपरि किमपि नास्ति। कहाँ लिख रहे हो आप? अच्छा, आपको ये नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या? द स्क्रीन इज टू फुल टू फिगर आउट क्या आप लिख कहाँ रहे हो राइट नाउ। ओ, कीटस्य दक्षिणतः लिखामि, कीटस्य दक्षिणतः मिल गया। अधः दर्पणस्य उपरि किमपि एक शब्द है। हाँ, किम अपि, तो ये अच्छा अच्छा किम अपि होता है। हाँ, तो किम जो है ना, जो हमारा नॉर्मल किम है, ये वही है। किम अपि तो मतलब अपि जो है भी होता है, और किम मतलब क्या, तो क्या भी या कुछ भी, इस तरह वैसा एक्सप्रेशन है ये। मैं ये लिख लेती हूँ, किम प्लस अपि। किम धन अपि, प्लस नहीं बोल सकती अब आप, संस्कृत में हम धन कहेंगे, धन और ऋण। दैट इज प्लस एंड माइनस। हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक होता है ना धन, हाँ धन जो पैसे वाला धन है। नहीं घ, नहीं घ, धन घनात्मक होता है, कंपाउंडिंग। अरे घनात्मक नहीं, धनात्मक, धन वाला ध। नहीं, there is a word जो मैं पूछ रही हूँ कि घनात्मक भी होता है ना, वो क्या होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। घनात्मक हो सकता है, घन, घन तो क्यूब होता है, तो घनात्मक हाँ हो सकता है, कंपाउंडिंग उसका मतलब हो, कंपाउंडिंग है या देखना। मल्टीप्लाइड है मुझे, क्योंकि सडनली आपने बोला तो मुझे याद आया कि ध होता है तो घ भी तो होता है। नहीं वो अलग है, जो आप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड वाला बोल रही है, वो गुणात्मक होगा, वो गुणा वो है। तो गुणात्मक होता है बराबर। हाँ नहीं, फिर घन क्या होता है, क्योंकि ये तो होता है शब्द, आई एम श्योर। तो घनात्मक जो है वो क्यूबॉइड या क्यूब से मिलता जुलता, क्यूब की तरह का, उस तरह से यदि बोलना है तब हम घनात्मक शायद बोल सकते हैं, देखना पड़ेगा उसको उपयोग, ढूंढना पड़ेगा, एक बार पक्का कर ले फिर हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये ऋणात्मक ऋण वाला है ना, ऋणात्मक। हाँ ऋणात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक प्लस और माइनस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमने बहुत ही शुरू की एक कक्षा में एक बार इसके बारे में बात की थी, मतलब शुरू के समझ लो चौथी पांचवी कक्षा में ही धन और ऋण की शायद बात की थी, ऐसा मुझे लगता है, पर ठीक है, हम पुनरावृत्ति और पुनरावलोकन तो कर ही सकते हैं किसी भी चीज का, तो एक बार बात कर ली तो ऐसा नहीं है कि दोबारा करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सिद्धांत जुड़ता जा रहा है, तो पिछले वाले तो काम में आएंगे ही। ये लिख लिया आपने, तो आगे बढ़ूं?
जी खो गया। ठीक है चलिए। तो अब हम एक ये ट्रायंगल कहाँ से आ गया यहाँ पे, त्रिकोण, त्रिकोणम कदा आगच्छति। ओके तो इसको साइड में करते हैं। बालिका अभी धीरे से बालक बनने वाला है, पहले बालिका भी हो सकती है, वैसे तो कोई भी हो सकता है, पर बालक मीटिंग डिस्कनेक्ट कैसे की? अच्छा लेट स्टार्ट आपकी आवाज गायब हो गई है, मैं ये कम पूछ हो रहा कि गई मेरी है। मीटिंग डिस्कनेक्ट कैसे नहीं हुई 45 मिनट्स के बाद, बट अपन ने लेट स्टार्ट किया ना। बिल्कुल ही गायब हो गई आपकी आवाज। किम भवती, क्या करूं ऐसा लग रहा है कि आप मेरे कान के अंदर डूब गई हैं। तो पहले तो कान में बैठी हुई थी, बट आप डूब रही हैं, तो डूबते डूबते कैसी आवाज आएगी? हाँ चलिए, महोदया हीट है ना अस्ति। हाँ अब आ रही है। हाँ ओहा महोदया कीट है ना अस्ति भवती कर्णम कीटः न विराजति, कर्णम नास्ति न विराजति। पर्णे। आ अने बालकः सूर्यं पश्यति। बालकः किं करोति? सूर्यं पश्यति। सूर्यं पश्यति। तर्हि अत्र कर्ता कः? बालकः कीदृशम्? कर्ता इज द वन हु इज डूइंग द एक्टिविटी राइट। अस्तु, परंतु हाँ कीदृशम्, वाक्ये कीदृशम् कर्ता आपको पता कैसे चलता है कि वो करता है, वाक्य को देख के? मैं समझी नहीं अब क्या कहना चाह रहे हो। मैं एक बार एक और वाक्य लिखता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हम इसको काफी देर तक करके देखेंगे। सूर्यम् बालकः पश्यति। अब क्या हुआ? सूर्य को बालक देख रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नहीं,
नहीं सूर्यम पश्यति बालकः। तो कर्ता कौन है और कैसे पता चल रहा है? कर्ता कथम ज्ञातम, कैसे पता चलता है कि वही करता है? बिकॉज एक्टिविटी इज बींग परफॉर्म्ड बाय द कर्ता। वो तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ना, जब आप उसको उस तरह से पढ़ेंगी कि बालक सूर्य को देख रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ बालक करता है। लेकिन बालक करता क्यों है? एक और चीज बताता हूँ अभी, फिर से हम यहाँ पे कुछ करते हैं तब आपको और साफ होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। इदानीं इदानीं किं भवति? एम टोटली कंफ्यूज्ड। इदानीं किं भवति? नहीं नहीं पता उत्तर। उत्तर लिखामि, सूर्य बालकं पश्यति। वो तो ठीक है, वो तो मुझे आया, बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू डेसिफर इज आई एम तो टोटली आपको पता कंफ्यूज्ड। कैसे चल रहा है कि कर्ता कौन है? यहाँ पे सूर्य बालक को देख रहा है, लेकिन कैसे पता कि सूर्य देख रहा है? वाक्य को देख के आपको बिकॉज ऑफ कैसे दिस। पता चलेगा? पिक्चर से पता चल रहा है वो ठीक है, पर वाक्य से हाँ कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे सूर्य क्योंकि बालक को क्यों नहीं देख रहा? यहाँ पे ऊपर वाले में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपने भी यहाँ पे मेरे कर्ता को जो होता है दिख ना, रहा है वो ये है कि आपने अनुस्वार दिया है, सॉरी विसर्ग दिया है, और हाँ, तो सबसे बड़ी बात वही अनुस्वार है। है, विसर्ग और अनुस्वार है, जो यहाँ पे बालक कह है और यहाँ पे सूर्यम है, यहाँ पे हाँ सूर्य है, सो दैट हाँ इज द चेंजिंग फैक्टर। हाँ तो बालक का मतलब क्या? वो कर्ता कैसे है? क्योंकि वो प्रथमा है, बालक जो है उसकी प्रथमा है, बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा जो है कर्ता होती है। ओके तो अब आप ध्यान में अब आएगा कि बालकः यदि लिखा है या सूर्यः लिखा है, तो जहां पे भी विसर्ग लगा उसके मूल शब्द में, तो वो कर्ता बन जाता है। प्रथमा
कर्ता हमेशा प्रथमा में होगी। तो जिस भी शब्द की आपको प्रथमा दिख रही है वाक्य में वो कर्ता है। और इसी का दूसरा उपयोगी वाक्य है कि जब भी आपको द्वितीया दिखेगी, कर्म हमेशा द्वितीया में होता है, तो सूर्यम पुस्तकम, जैसे बालकः पुस्तकम पठति, तो उसमें पुस्तकम पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तकम जो है वो द्वितीया है। इसीलिए इस वाक्य में सूर्य बालक को देख रहा है और ऊपर वाले में बालक सूर्य को देख रहा है। तो यहाँ पे कर्म जो है इस अनुस्वार के कारण द्वितीया बन गया। तो जो भी द्वितीया में है वो कर्म है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो अब आपको समझा मैं क्यों बता रहा था, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं खुद ही बोल देता हूँ, कि वाक्य में यदि हम इस तरह से आगे पीछे भी कर दें शब्दों को, पदों को, सूर्यम पश्यति बालकः, तो भी क्योंकि बालकः यहाँ पे प्रथमा आपको दिख रही है, कौन से शब्द में प्रथमा है, बालकः में, तो बालकः ही करता है, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, आगे लिखा हो, पीछे लिखा हो, बीच में लिखा हो, पश्यति सूर्यम बालकः। तो ये सारे के सारे वाक्य एक ही अर्थ के हैं और सबका अर्थ एक ही है कि सूर्य को, क्योंकि जैसे हमने सूर्यम बोला तो मतलब सूर्य को, वो पक्का है, और बालकः बोला तो बालक करता है, तो देखता है सूर्य को बालक, सूर्य को देखता है बालक, सूर्य को बालक देखता है, चाहे आप उसको किसी भी क्रम में बोल लीजिए पर वो बालक ही देख रहा है उसमें, चाहे आगे पीछे कहीं भी लिख लीजिए। अब आपको ध्यान में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये क्यों इतने क्रम बदल बदल के दिखा रहा था, कि हमको कर्ता को पहचानना आए वाक्य में। यदि लिखा हुआ वाक्य है तो कर्ता को पहचानना, और यदि हमको खुद बोलना है तो हमको ये ध्यान रखना है कि यदि मैं करता हूं या कोई करता है तो उसकी हमेशा प्रथमा आएगी। वचन बदल सकता है, जैसे एक बालक देख रहा है तो अभी बालकः है, बहुत सारे बालक सूर्य को देख रहे होते तो हम बोलते बालकाः सूर्यम पश्यन्ति, फिर भी बालकाः जो है बालक की प्रथमा ही है, सिर्फ वो वचन बदल गया कि एक वचन की जगह बहुवचन हो गया। जी। तो अब ये जो अगला वाक्य है, अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं, सूर्य जैसे ही दिखा तो ये करता है, तो अब सूर्य बालक को देखने लगा, क्योंकि अब बालक कम हो गया है तो यहाँ पे द्वितीय आ गई, बालक को देख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से यदि लिखूं तो भी अब आपको समझ में आ जाएगा कि बालकम सूर्यः, पश्यति, तो इसको हम जल्दी में ऐसा ना पढ़ें कि बालक सूर्य को देख रहा है, क्योंकि बालकम है तो बालक को सूर्य देख रहा है। हाँ, क्योंकि हम ऐसा होता है ना, हमको हिंदी या गुजराती या मराठी जो भी बाकी बहुत सारी भाषाएं हैं उनमें क्रम का अंतर पड़ता है, क्रम से अर्थ में अंतर पड़ता है, तो हम जल्दी जल्दी में बालक पहले लिखा है तो हमने सोच लिया कि बालक ही करता होगा, लेकिन यहाँ बालक कम लिखा है तो बालक को सूर्य देख रहा है, वो ध्यान में बस रखना है, क्योंकि ये चीज कभी कभी कविताओं में श्लोकों में देखने मिलती है कि कर्ता और कर्म आगे पीछे किए हुए होते हैं, सिर्फ उसके जो धुन होती है कविता या श्लोक की उसको मिलाने के लिए, लेकिन उससे अर्थ नहीं बदलेगा। अस्तु।
उसको किताब हमने नहीं पकड़ाई। आज 40 मिनट में ये रुका नहीं है ना? मैं तो वही तो पूछ रही हूँ ना कि कैसे नहीं हुआ, 1 घंटा तो हो गया अभी, मोर देन एटलीस्ट 40 मिनट हो गया, तो हो गया। बट हाँ, नहीं हुई आज, नहीं आया बीच में। ऐसा मैंने कभी कभी देखा है, ये रैंडम है। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि किसी किसी मीटिंग में वो चलता रहता है, बीच में नहीं आता। शायद जूम का कोई होगा ऐसा एल्गोरिथम कि बीच बीच में कभी रैंडमली आपको फ्री टाइम दे देता है, एक आध घंटे की मीटिंग भी करने दे देता है। या फिर जब दो लोग होते हैं तब ऐसा होता है, ऐसा कुछ नोटिस किया आपने? अब मोर ये देन टू पीपल तो पे नहीं होता। पता नहीं। हाँ हो सकता है, मतलब जहां तक मुझे याद है तब भी नहीं हुआ था, जब एक दिन हम दोनों ही थे, लाइट गई थी मेरे यहाँ, याद है? काफी दिन पहले की बात कर रही हूँ। हम तुम एक मीटिंग में बंद हो और लाइट चली जाए। अच्छा ऐसा हुआ था क्या? लाइट चली गई थी हाँ, तो उस फिर दिन आप कक्षा मीटिंग में। में? अच्छा वो मोबाइल में ऐसे आप भूत की तरह देख रही थी, वैसा कुछ हो रहा था क्या? यस यस यस। आई थिंक दो लोगों में शायद नहीं होती होगी ये मीटिंग, मतलब डिस्कनेक्ट की, इंटरपर्सनल टॉक की तरह कुछ एल्गोरिदम में होगा कि व्हेन इट इज इंटरपर्सनल टॉक देन नॉट अ पब्लिक डिस्कोर्स और समथिंग लाइक दैट, कुड बी जस्ट एन अजम्पशन। पता नहीं, लेकिन दो में भी मैंने डिस्कनेक्ट होते देखा है। अभी मेरी पिछली मीटिंग हुई थी, मतलब अभी अच्छा 4 बजे वाली, जो दूसरा एक बैच चलता है, जो थोड़ा नया बैच है, उसमें हुआ था। 40वें मिनट के पहले वो नोटिफिकेशन आ गया था, फिर वो काउंट चलने लगा था, आठ गिफ्ट मिनट है, 9 मिनट जैसे। गिफ्ट है, गिफ्ट जूम किया आपको, ले अब आ गया, भेंट। आ गया आ गया, मतलब 1 घंटा नहीं हुआ था, इसका मतलब है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने 1 घंटे कितने की बजे नहीं से? होती है ना, हाँ 45 मिनट्स की होती है ना। वही तो, अभी मैसेज आया कि 40 मिनट्स का, वो जो नोटिफिकेशन आता है कि क्लोज टू 40 मिनट्स, मीटिंग 10 मिनट में ओवर हो जाएगी। अच्छा, तो हम इट लोग खाली इज, विली तारीफ कर रहे थे और जूम को पसंद नहीं आया कि उसकी इसको समझ में खाली आ विली गया कि तारीफ यही की बातें हमारे बारे में बातें हो रही है, इसलिए अब हम जाए। अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। हाँ। नहीं, हमने थोड़ी देर से शुरू किया शायद उस हिसाब से। मैंने आपको 7:07 पे बोला था कि मैं 3-4 मिनट में आ रहा हूँ, और मैं 7:14 पे मैंने चालू कर दी थी मीटिंग। तो 7:14 से आठ हो चौदह गया तो निकल भी चुका है, अभी तो 8:18 होने वाला है, जी। तो 1 घंटे तो वैसे भी हो चुका है। मैंने कब चालू की थी वो मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने तो टाइम समय ओके, देख के ही किया था। 7:13 पे मैंने बटन दबाया और जब तक ये चालू हुई तब तक 7:14 हो गया था। आपका रैम कितना है अंशु जी, पीसी का? जय श्री रैम, जय श्री 16 जीबी। राम। ओह माय गॉड, क्यों कम लग रहा है क्या? 32 घर नहीं, वाना ओ है माय मुझे। गॉड, कम के लिए नहीं होता है। अहो, अहो ओहो, जय श्री रैम। जय श्री राम। बिकॉज मैं वो नोटिस करती हूँ ना, आपकी बहुत सारी विंडोज, कभी कभी इस पे दिखता है ना जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तब, ऊपर इतनी विंडोज खुली होती है। मेरा तो मतलब थोड़ी विंडोज खुली हाँ हो तो बहुत स्लो हो जाता है लैपटॉप, मतलब रैम भी कम है हाँ आपका अकेला ना। मेमोरी नहीं, पर हाँ मेमोरी और प्रोसेसर सबसे ही फर्क अंतर पड़ता है। अब क्योंकि मैं तो बहुत ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, मुझे चाहिए काफी हैवी मशीन बहुत समय से आवश्यक है, तो मैं तो ये लगभग 2012 में ले चुका था। ये i7 प्रोसेसर है और 16 जीबी रैम है, जो अच्छा, भी मैक्सिमम उस समय बट अवेलेबल था वही लिया था मैंने, तो ये आज तक भी बहुत बढ़िया चल रहा आपका पीसी है ना, लैपटॉप नहीं है है। ना, लैपटॉप है? हाँ लैपटॉप है? अच्छा, लैपटॉप में भारी हो गया क्या? प्रोसेसर भारी हो गया कि रैम भारी हो गई? नहीं, मुझे लगा पीसी यूज करते होंगे आप। नहीं, पोर्टेबल है ना, मैं तो ट्रेनिंग के लिए मैं इतना ट्रेवल करता हूँ, मैं पीसी का मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ओके,
कल हम जंगल लगाने गोवा जा रहे हैं, अरे वाह, पूरी की पूरी टीम, आधी टीम पहुंची हुई है, बाकी हम दो लोग कल जा रहे हैं। उत्तमम। और बारिश भी चालू हो चुकी है वहां पे भी शायद, तो हाँ, वेस्ट कोस्ट पे पुणे में बहुत बारिश हो ही रही है ना, वैसे भी आप ही देख रहे हो, पुणे वाले के हाँ। तो मजे हैं। बारिश काफी होने लगी है अभी, हर दिन थोड़ी थोड़ी, 1 आध घंटा आधा घंटा हो ही रही है। पर वहां बड़ा अजीब सा है कि वो पूरी माइनिंग वाला एरिया है, तो जो कंपनी करवा रही है उनके लोग देखने आते, मतलब सर्वे करके उनको जाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे जमीन के नीचे से कोई वायर्स वायर्स नहीं जा रहे हो, तो वो वैसे वैसे एरियाज मार्क करके जाते हैं फिर, क्योंकि उसके जगह पे आप नहीं खोद सकते। वहां खोद दिया तो कंपनी का और कुछ दूसरी गड़बड़ियां हो जाएंगी, तार वार टूट गए तो। वहां पे मिनरल्स की माइनिंग काफी होती है ना, तो मजे, हाँ मतलब थोड़ा अलग जा टाइप सकते का ये धातु जगह की। है मिनरल्स। हाँ जाके पता चलेगा, मुझे अभी नहीं पता है कि ये वाली कंपनी की कौन सी माइनिंग है, जाएंगे तो क्योंकि समझ में मेरे आएगा। हिसाब से वहां पे शायद आयरन की होती कॉपर है ज्यादा। आयरन कुछ हो सकता है। कितने दिन की है आपकी ये ट्रिप? 5 6 दिन तो मिनिमम है, 6 दिन मैं अभी सोच रहा हूँ, तो शायद अगले शनिवार तक वापिस आऊंगा, फिर उसके बाद हो सकता है देवास जाना हो, देवास कहाँ आता इंदौर है, के गुजरात पास। में? इंदौर अच्छा, इंदौर इंदौर। आपका मतलब फैमिली का कुछ है क्या, नहीं, नहीं वो पारिवारिक भी यही कहाँ? है, वहां पे एक कंपनी अपने 100 100 200 200 साल पुराने पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, मतलब 100 100 200 200 फीट के पेड़ हैं, 20 मंजिल ऊंची इमारत कितनी होती है, ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं, अच्छा, उनको शिफ्ट करना है। तो ओ पेड़ मरे नहीं, उसके बचा के उसको शिफ्ट करना है, उस कंपनी को उस जगह की ट्रांसप्लांटेशन जरूरत है तो वो प्रॉपर। दूसरी जगह पे लगाने हैं, तो ऐसे और लगभग 25 30 पेड़ हैं, तो बहुत खतरनाक, मतलब वो तो असल में जानलेवा टाइप, मतलब रियली लाइफ थ्रेटनिंग काम है। मतलब मतलब उसमें उसको बहुत कुछ गिरने का प्लानिंग चांस करनी होता है। पड़ती है कि पहले उतने बड़े पेड़ को आपको आजू बाजू से उसमें डालें जो है उसको थोड़ा अरेंज करना पड़ता है, फिर जहां पे भी कुछ डैमेज किया वहां पे तुरंत गोबर लगाना पड़ता है देसी गाय का, ताकि वो पेड़ को ज्यादा परेशानी ना हो, फिर उसको जड़ों में भी यही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो 1 2 दिन तो यही सब, एक एक पेड़ में एक एक दो दो दिन लग जा सकते हैं इतना सब करने में, अरे बाप रे। अच्छा और फिर उसको उठाना। अंशु जी, मुझे आप अपनी बहन की कंपनी की वेबसाइट जरा ये व्हाट्सएप पे भेजिए ना, मेरे को अभी ध्यान में आया। पिछले सप्ताह मैं मेरे एक मित्र से बात कर रही थी तो ये विषय निकला था, तो मैंने बताया था कि आपने चिराला में किया था एंड ये ऐसे लिखा प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैंने तरीके से। हाँ चैट में, अभी लिख दिया मैंने। मैं नहीं, इसमें नहीं, व्हाट्सएप पे फॉरेस्ट, ओके forest-india.org, ठीक है। व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, पर यहाँ पर लिख दिया मैंने अभी। मैं भूल गई थी एक्चुअली, मैं पूछने वाली थी आपको, फिर अभी विषय निकला तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मुझे लेना था आपसे ये। और अभी पुणे में तो एक प्राइवेट, मतलब एक है बिजनेसमैन है, उनका खुद का 1 एकड़ का, उनने घर वर बनाने के लिए घर और छोटा सा फलों का जंगल, फिर फूलों का जंगल, फिर आयुर्वेदिक जंगल, ऐसे 4 5 पूरा घर के आसपास बनाने का सोचा है, तो उनका हम अभी अभी कल ही खत्म हुआ, उनका करवा के आए हैं, तो बढ़िया बढ़िया चीजें चल रही हैं। लोगों की बहुत जरूरत है ऐसा, कोई किसी को अंदर से मन हो प्रकृति के लिए काम करने का तो आप बिल्कुल बता सकती हैं।
मैं जरूर क्योंकि अभी बताऊंगी यही जैसे मैंने बताया ना कि गोवा का भी चल रहा है, फिर देवास का भी, दोनों पैरेलल में, दोनों कंपनियों का इम्पोर्टेंट है और लोग कम पड़ते हैं अभी। जैसे गोवा में हम लोग जा रहे हैं तो 3 लोग गोवा में रहेंगे और 3 देवास में काम कराएंगे, जबकि इनमें से कई में 5 5 6 6 सब साथ में होते तो ज्यादा अच्छे से हो जाता, मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा और इफेक्टिव होगा, आपको जल्दी फिर पे होगा। करती है, मतलब फॉरेस्ट इंडिया ORG को पे करती है कंपनी, हाँ तो और कंपनी जब फिर काम इंडिपेंडेंट कराती है तो वॉलेंटियर्स अब को पे क्योंकि आप ही हम करते हैं। ये वॉलंटरी मान सकते हो पर एक्चुअली ये फुल टाइम काम है, ये वॉलंटरी बट कर फिर जो वो इनकम आता है कंपनी की तरफ से वो इनको दिया जाता है वॉलेंटियर्स को हाँ एज अ यदि सैलरी बेसिस या हाँ यदि प्रोजेक्ट आप बेसिस जो भी रेगुलरली है। काम कर रहे हैं। जैसे मैं तो कुछ नहीं लेता, मेरी बहन की है तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, पर हाँ क्योंकि अभी तो ये लोग इस स्टेट में है कि जैसे अगला प्रोजेक्ट आया तो पिछले प्रोजेक्ट का तब तक कुछ बचा ही नहीं होता, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली जैसे अगले प्रोजेक्ट के लिए पेड़ पौधे, ट्रक्स का अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, तो उतने में ही 10 12 लाख ऐसे खर्च हो जाते हैं कि जब उसका पेमेंट आएगा तब तक तो इसके ही क्रेडिट्स को आप पे करते रहोगे, तो वो स्टेट आने में शायद थोड़ा और समय लगेगा और वो लोग जब बढ़ेंगे तब हो सकता है अच्छे से। आपको समझ रहा है कि खर्चा जितना है उतना ही वो जब पेमेंट्स रिलीज होते हैं लोगों के तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के टाइम पे जब आपको ट्रक्स को बुलाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है पौधे और पेड़ और दुनिया भर का रेत मीट, तो बहुत सारी चीजें तो वो कंपनी कराती है जो उनका लोकल का काम है, जैसे लेबर अरेंज करना और इस तरह का।